यात्री और सिक्किम टूरिस्ट के लिए एक खुशखबरी, पाक्योंग टू दिल्ली और दिल्ली टू पाक्योंग की सीधी फ्लाइट की सेवा आज ही शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी यात्री काफी खुश है। ज्ञात हो कि लो विजिबिलिटी और खराब वेदर की वजह से 15 जून से यह सेवा बंद हो गई थी। एयरपोर्ट सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि यह सेवा हफ्ते में 5 दिन चलेगी और 2 दिन यह सेवा यानी कि मंडे और फ्राइडे को यह सेवा बंद रहेगी और बाकी 5 दिन इस सेवा का यात्री लाभ उठा सकते हैं। इस सेवा के शुरू होने से आने वाले फेस्टिव सीजन में सिक्किम टूरिज्म को काफी फायदा होने वाला है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, पाक्योंग से दिल्ली और दिल्ली से पाक्योंग का फ्लाइट आज यानी कि 2 सितंबर से शुरू हो चुका है। ज्ञात हो कि 15 जून से दिल्ली से पाक्योंग जाने वाली फ्लाइट की सेवा खराब वेदर के कारण सस्पेंड हो गई थी। लो विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट बागडोगरा एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया था। ऐसे में सभी यात्री को पाक्योंग से दिल्ली जाने के लिए बागडोगरा होकर जाना पड़ रहा था, लेकिन आज से पाक्योंग से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की सेवा शुरू हो चुकी है। इस दिन काफी पैसेंजर्स भी नजर आए। आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन है, सिक्किम में टूरिज्म राज्य है, ऐसे में कई टूरिस्ट सिक्किम घूमने आते हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज से वेदर सही रहेगी, जिसके मद्देनजर आज से पाक्योंग टू दिल्ली और दिल्ली टू पाक्योंग फ्लाइट की सेवा जारी रहेगी। दिल्ली से पाक्योंग की फ्लाइट की सेवा शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर है। वहीं यह सेवा शुरू हो जाने से आने वाले फेस्टिव सीजन में सिक्किम के टूरिज्म को काफी फायदा होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने द वॉइस ऑफ सिक्किम को बताया कि दिल्ली टू पाक्योंग का फ्लाइट हफ्ते में 5 दिन चलेगी। मंडे और फ्राइडे को यह सेवा बंद रहेगी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता का फ्लाइट पाक्योंग से 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलने की बात बताई गई है। आगे से जुड़े कोई भी अपडेट होगी वो हम आप सभी के सामने जरूर रखेंगे।